कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। सैलरी में आएगा बम्पर उछाल, देखिए कैलकुलेशन। तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम एचआरए 5,400, 3,600 और 1,800 रुपये होगा। व्यय विभाग के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो अधिकतम मकान किराया भत्ता 30% तक बढ़ जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स, सेंट्रल एम्प्लॉयज पेंशनर्स को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबर है कि नए साल 2022 में केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों का एचआरए भत्ता बढ़ाने की योजना बना रही है। इससे 11.56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी में 8,100 रुपये तक का इजाफा होगा। यानी 7th पे कमीशन के तहत जब डीए 25% से अधिक हो जाएगा तो एचआरए भी बढ़ जाएगा। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई नई अपडेट या बयान सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों, सेंट्रल एम्प्लॉयज सैलरी हाइक को नए साल 2022 में एक और भत्ते की सौगात मिल सकती है। बीते साल इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन IRTSA और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे मेन NFIR ने सरकार के सामने 1 जनवरी 2021 से एचआरए बढ़ाने की मांग रखी थी और वित्त मंत्रालय ने भी इस मांग को पूरा करते हुए एक प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा था। साल बीत गया लेकिन प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द इसे हरी झंडी दी जा सकती है और 2022 में 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर एचआरए भत्ते को बढ़ाया गया तो इससे सैलरी में 8,100 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। DOPT के नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र था कि जब 25% के मार्क को क्रॉस कर जाएगा तो एचआरए खुद रिवाइज होकर 27% हो जाएगा और जब महंगाई भत्ता 50% क्रॉस करेगा तो एचआरए भी रिवाइज होकर 30% पहुंच जाएगा। इसकी दर 8, 16, 24% से बढ़कर 9, 18 और 27% होगी। वहीं महंगाई भत्ता 3% और फिटमेंट फैक्टर 3.68% बढ़ने की भी संभावना है। ये है एचआरए का पूरा गणित। महंगाई भत्ता 25% से अधिक होगा तो एचआरए भी बढ़ जाएगा। इसकी दर 8, 16, 24% से बढ़कर 9, 18 और 27% हो जाएगी। इसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 5,400 रुपये और अधिकतम 8,100 रुपये महीने का फायदा होगा। तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम एचआरए 5,400, 3,600 और 1,800 रुपये होगा। व्यय विभाग के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो अधिकतम मकान किराया भत्ता 30% तक बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है तो उसे लगभग 5,400 रुपये से 8,100 रुपये प्रति माह का एचआरए का लाभ मिलेगा। 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर एक्स कैटेगरी में आते हैं। जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वे श्रेणी में आते हैं। 5 लाख से कम आबादी वाले शहर जेड कैटेगरी में आते हैं।